सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है, वो हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। अरे दीदी तो तुम्हारे साथ ही कहने वाली दिल्ली तो मोदी नय दीदी जेटा करबे सेटा होच्छे इंडिया जोट के ओखाने क्षमताय एने देबे। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान से साफ झलक रहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक से असहमति जाहिर करने वाली टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर चुनाव बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी बाहर से उसका समर्थन करेगी। ममता ने बीजेपी को चोरों से भरी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी 400 पार के अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहेगी। ममता ने कहा कि बीजेपी दावा कर रही है कि वो 400 सीटें जीतेगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। पूरा देश समझ गया है कि बीजेपी चोरों से भरी पार्टी है। हम सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाहर से इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेंगे और हर तरह से उनकी मदद करेंगे। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो यह सुनिश्चित करेगी कि बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कभी कोई समस्या न हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि 100 दिन की नौकरी योजना में भाग लेने वाले को किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। आर मोदी नय, अरे दीदी तो तुम्हारे साथ ही खाने वाले दिल्ली तो मोदी नय दीदी जेटा करबे सेटा होच्छे इंडिया जोट के ओखाने क्षमताय एने देबे। আমরা এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যা হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4 পার্টি বাদ দিয়ে। এখনো কাজেই মোদী আসছে না, स्लोगान तुलते हवे। दरअसल देश भर में लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं। देश में किसकी सरकार बनेगी यह 4 जून को ही नतीजे आने के बाद पता चल सकेगा। इससे पहले विपक्षी गठबंधन ने सरकार बनाने की योजनाओं पर बयान देना शुरू कर दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वह इस सरकार में शामिल नहीं होंगी, बल्कि बाहर से उनकी पार्टी समर्थन करेगी। दरअसल एक चुनावी रैली के दौरान ममता ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को बाहर से पूरा समर्थन देगी ताकि बंगाल के लोगों को कोई परेशानी न हो। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस में बंगाल कांग्रेस और CPIM को मत गिने, वे दोनों हमारे साथ नहीं है, वे दोनों बीजेपी के साथ हैं। मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूं। वहीं राजनीतिक गलियारे में ममता के बाहर से समर्थन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अतीत में बंगाल की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी CPM सहित विभिन्न वामपंथी दलों ने केंद्र में पहले UPA सरकार यानी मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को कैबिनेट में शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन दिया था। दूसरी तरफ ममता और उनकी पार्टी तृणमूल पहले भी कई बार सीधे केंद्र सरकार में शामिल हो चुकी है। 1998 में बनी 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ममता शामिल नहीं हुई, बाहर से समर्थन दिया था। बाद में ममता सहित तृणमूल नेता कई बार वाजपेयी और मनमोहन की कैबिनेट में रहे। 1999 से 2004 तक तृणमूल वाजपेयी सरकार में थी। 2009 में ममता मनमोहन कैबिनेट में शामिल रही। ममता के ताज़ा बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत से लेकर NDA नेता चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। ममता के इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देने के सवाल पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि ठीक है, ममता जी हमारी दीदी हैं, वो भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल हैं, वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तानाशाही के खिलाफ लड़ रही हैं, वो हमारे साथ हैं, चाहे अंदर हो या बाहर, वो हमारी दीदी हैं और दीदी हमारे साथ रहेंगी। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है, वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी राम विलास की पार्टी के प्रमुख
चिराग पासवान ने कहा कि इन लोगों में कौन किसको समर्थन देगा ये पता नहीं है। गठबंधन में तो पहले नीति ही ठीक नहीं है, उनकी नीयत क्लियर नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में जिनके खिलाफ चुनाव जीत कर आएंगी और फिर उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। किसी की कोई विचारधारा नहीं है, सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काट कर कैसे सत्ता में पहुंचा जाए। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। किसी के कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काट कर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।